हेलो एवरीवन वेलकम बैक मैं हूं जया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये वाला मेकअप लुक जो कि है एवरीडे मेकअप लुक और ये बहुत इजी है गाइस बहुत कम टाइम में आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो तो सबसे पहले मैंने यहाँ यूज़ किया है जोया का ये मॉइस्चराइज़र ये एलो मॉइस्चराइज़र है क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं इसलिए मैं क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ अगर समर्स होते तो मैं जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती इसे फेस पर अच्छे से मैं लगा लूँगी और अच्छे से अप्लाई करने के बाद पाँच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जिससे मॉइस्चराइज़र अच्छे से स्किन में चला जाए उसके बाद मैं लिप पर लगा रही हूँ लिप बाम क्योंकि लिप को भी हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है जैसे हम स्किन को तैयार करते हैं मॉइस्चराइज़र लगा के वैसे लिप पे हमें लिप बाम लगाना होता है अब मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर ये बहुत ही अफोर्डेबल है गाइज इसका रिव्यू मैंने दिया है मेरे चैनल पे है इसे मैं जहाँ जहाँ डार्क सर्कल्स है जहाँ डार्क स्पॉट है सिर्फ वहीं यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पे नहीं यूज़ कर रही हूँ तो इस तरीके से आप लगा लेंगे उसके बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए तभी अच्छे से ब्लैंड होगा और इसे अच्छे से ब्लैंड कर लेना है और जहाँ जहाँ पर आपने लगाया सिर्फ वहीं पर ब्लैंड करना है पूरे फेस पर आपको नहीं फैलाना है नहीं तो आपका कंसीलर वहाँ से हट जाएगा जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है तो जहाँ पर मेरे डार्क सर्कल्स थे जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि डार्क है मैंने उसे वहीं यूज़ उस किया है और अच्छे से वहीं पे ब्लेंड भी किया है मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि जितने अच्छे से ब्लेंड होगा उतने अच्छे से आपका मेकअप भी सेट होगा इसके बाद मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे जहाँ पे मुझे पिंपल के स्पॉट्स हैं क्योंकि मुझे उसे भी हाइट करना है तो बहुत हल्का सा लगा रही हूँ एकदम नेचुरल लगे सिर्फ ऐसा लगा रही हूँ और उसके बाद उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने किसी भी ब्रश का यूज़ नहीं किया है सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर से बेस सेट किया है बाकी मैंने कोई भी ब्रश इस मेकअप में नहीं यूज़ किया है तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बहुत सारे ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं मेकअप करने के लिए इस तरीके से आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो पूरा फेस आप देख रहे होंगे इवन लग रहा है अब हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है फेस पे जितने डार्क स्पॉट्स हैं सब कुछ हाइड हो चुके हैं अब फाउंडेशन हम लगाएंगे और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गार्नियर का बीबी ये गारनियर का बीबी क्रीम है ये मैं डेली लाइफ में यही यूज़ करती हूँ गार्नियर का बीबी यूज़ करती हूँ या फिर पॉन्स का बीबी यूज़ करती हूँ दोनों मुझे बहुत सूट करते हैं तो ये गार्नियर का बीबी क्रीम मैं फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था उस एरिया को छोड़ के बाकी जगह लगा रही हूँ और उसके बाद अच्छे से ब्लैंड कर लूँगी ब्लैंड आपको सेम तरीके से करना है वेट ब्यूटी ब्लैंडर से ले अच्छे से आपको ब्लैंड करना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना ऐसा नहीं कि आपने एक मिनट किया हो गया अब थोड़ा सा टाइम लेके एक से डेढ़ मिनट अच्छे से उसे ब्लेंड करेंगे तो हमारा मेकअप जो है बिल्कुल क्रैक नहीं होगा और अच्छे से स्किन में अब्जॉर्व हो जाएगा बेस अच्छे से, से सेट हो गया है आपको ईयर्स पे भी अच्छे से फाउंडेशन लगाना है अगर आप ईयर्स पे नहीं लगाएंगे तो आपका फेस और ईयर अलग अलग लगेगा अब मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई का कॉम्पैक्ट पाउडर ये बहुत अफोर्डेबल है काज इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और मुझे बहुत पसंद आया है ये भी आजकल मैं डेली से ही यूज़ कर रही हूँ अच्छे से मैं फेस और नेक और ईयर पर अप्लाई कर लूँगी इसके बाद मैं ले रही हूँ एन वाई का काजल एन वाई के जितने प्रोडक्ट हैं मैंने पर्पल डॉट कॉम से लिए हैं तो एन वाई के काजल लेने के बाद मैंने इसी से एब्रो एब को हल्का सा सेट किया है उसके बाद मैं आई भी इसी से ड्रा करूँगी बहुत पतली सी लाइन मैंने ड्रा की है सिर्फ आइस को सेव देने के लिए आप चाहे तो लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा इससे आपको दो कोट लगाने हैं पहले सिंगल कोट लगा के ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा उसके बाद सेकंड कोट लगाइएगा अब मैं यूज़ कर रही हूँ एम्सटरडेम की लिपस्टिक गाइस ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है मुझे बहुत पसंद आई है तो इसे मैं अच्छे से लिप पर यूज़ कर लूँगी मैंने कोई लिप लाइनर का यूज़ नहीं किया सिर्फ लिपस्टिक का यूज़ किया है इसके बाद मैं इसी लिपस्टिक से ब्लश और आई साइडों भी अप्लाई करूंगी इस तरीके से मैंने चीक्स पे अप्लाई कर लिया है और आइज पे भी मैं डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर लूँगी तो भाई इस मेकअप में मैंने किसी ब्रश का यूज़ नहीं किया है फिर भी देखिए मेकअप कितने अच्छे से हो गया है तो इस तरीके से आप भी फाइव मिनट के अंदर मेकअप कर सकते हैं अगर आप डेली बाहर जाते हैं तो आई होप गैस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थोड़ा बहुत ही पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो